चलिए सो लेट अस स्टार्ट. सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली वी हैड डन. एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली दैट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली दैट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. एंड एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली दैट इज कॉल्ड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. इट इज कॉल्ड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. Purely capacitive circuit. Okay, so we have a capacitor connected to a source of alternating voltage with the EMF given E is equal to E naught sin omega t. Okay, what is the voltage drop across the capacitor? V is equal to Q by C. Here V is equal to E, so E is Q by C and Q is equal to EC because we are to find current in each case. So first we have a charge with us, then we will differentiate it and find current from here. So put the value of E is equal to E naught sin omega t here. So Q is equal to E naught C sin omega t. So current will be rate of change of charge. I is equal to dq by dt. Ultimately हमें current ही चाहिए था. What is the derivative of sine omega t? What will be the derivative of sine omega t? Cos omega t. Omega cos omega t होगा ना? Omega भी आएगा? Yes. So I is equal to E naught C omega cos omega t. I is equal to omega c e naught cos omega t. Can we write I is equal to e naught over 1 by omega c? Would it be fine if we write omega c as 1 over omega c? Is this step clear to you? Yes, ma'am. Yes. हाँ जी बोलो. Yes. आपका एसी सर्किट चल रहे हैं क्लास में? एसी सर्किट्स पे पहुंचे हो? हाँ. सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन. ओके अब मैंने तो स्टार्ट कर दिया. मैं ये रिपीट कर देती हूँ. वी आर डूइंग एसी सर्किट. एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली दैट इज कॉल्ड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. ठीक है, क्योंकि अकेला कैपेसिटर लगा है, इसको हम बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. सो वी हैव अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ. सो सिंस ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग इन नेचर, इट इज वेरिंग. नाउ उसकी इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी. वेयर व्हाट इज ई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ alternating EMF. Omega तो पता ही आपको, उसकी angular frequency. So what is the potential drop across the capacitor? Formula पता है ना, C is equal to Q by V, तो V is equal to Q by C. अब V यहाँ पे पूरे unit में potential difference को हम EMF ले रहे हैं. So V को हमने E put कर दिया. Cross multiply Q is EC. Put the value of E, E naught sin omega t. ये बन गया E naught C sin omega t. अब EMF given है, our aim is to find current. हम EMF और current का relationship देख रहे हैं, because we always have two types of signals, current signal and EMF signal, voltage signal. किसी भी circuit में दो types के signals होते हैं. तो EMF तो given है हमें, हम current निकाल रहे हैं. तो फिर उसको compare करेंगे इसके साथ. तो पहले charge आया, charge से current कैसे निकलेगा? By differentiating charge current आ जाएगा. So what is the derivative of sine omega t? Omega cos omega t. ये आ गया omega c. Omega c को 1 by omega c लिख दोगे. C is this step clear? अगर ये omega c से multiplied है, अगर हम E naught over 1 over omega c लिख देंगे, एक ही बात है.
वो कह रही है क्योंकि हमने I इज इक्वल टू वी ओवर आर फॉर्म बनाई है, तो इसलिए उसको वन ओवर ओमेगा सी आई हैव रिटन, ठीक है। तो लेट अस से दिस टर्म इन ब्रैकेट इज I नॉट, सो वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन लाइक वी आर गिवन ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम वे वी हैव करंट I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी, उसी टर्म्स में हमने इसको डिराइव कर लिया, राइट। वेयर, अब हम डिस्कस करते हैं वेयर कंपैरिजन। I नॉट किसको लिया है, E नॉट ओवर वन बाय ओमेगा सी को लिया है। I नॉट किसको लिया है, E नॉट ओवर वन बाय ओमेगा सी। अब I V ओवर R होता है, दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वलेंट टू व्हाट, रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V ओवर R होता है ना, इसका मतलब ये टर्म रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सो दिस रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट्स गिवन द नेम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसका सिंबल होता है एक्स सी, फॉर्मूला इज वन बाय ओमेगा सी, वही वन बाय ओमेगा। सो दिस इज हैविंग यूनिट ओम बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज रेजिस्टेंस। सो हाउ वी विल डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही है ये। सो हाउ वी विल डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ए सी बाय आइडियल कैपेसिटर। इस सर्किट में ओनली कैपेसिटर यूज किया हुआ है ना हमने, तो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एसी को, उसको आप बोलोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू एसी, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू एसी बाय एन आइडियल कैपेसिटर, बाय एन आइडियल कैपेसिटर। और बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है अगेन, हाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। तो ओमेगा क्या होता है, टू पाई न्यू, ओमेगा इज टू पाई न्यू, सो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। सो वी आर, इफ वी आर आस्क्ड टू प्लॉट द ग्राफ, दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज डिक्रीजिंग ग्राफ। कल हमने एक्सएल और न्यू का ग्राफ बनाया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सो टुडे वी हैव ड्रॉन इट फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। एंड वी वर कंपेयरिंग करंट एंड ईएमएफ, तो यहां से हमें पता लगता है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग। तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन है कि मोर देन, अब मोर देन है, ये ओमेगा सी से मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है। तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो ईएमएफ की पीक वैल्यू से ग्रेटर है, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा सी के साथ। सो नोटेड डाउन, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज मोर देन पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट है। अब हम उनके फेजेस को कंपेयर करते हैं, एंगल्स को कंपेयर करते हैं। आपकी ईएमएफ है साइन ओमेगा टी, करंट है कॉस ओमेगा टी, पहले इसको साइन में एक्सप्रेस करेंगे तभी कंपेयर कर सकते हैं ना। So how can we write cos omega t? We can write cos omega t as sin omega t plus pi by 2. 90 degree plus कर दे तो ये cos की equivalent ही रहता। तो sin में express किया, now what do we see? EMF omega t and current is ahead of EMF by 90 degree. There is a phase difference of 90 degree again between current and EMF, but who is leading in this case? Current is leading the EMF. So these are plus 2A students. So here current is leading the EMF by a phase difference of 90 degree. So ye question ye banega isme, ki what is the phase difference between current and EMF? So wo hai 90 degree, but who is leading and who is lagging behind? करंट इज अहेड, करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, कल हमने इंडक्टर किया था, वहां पे ईएमएफ लीड कर रही थी, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वर्ड सिविल, सिविल से लर्न कर सकते। इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, मतलब ईएमएफ वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टर। एल क्या होता है, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस एल होती है ना,
सेल्फ इंडक्टेंस तो कर ली होगी क्लास में, है ना? तो एल क्या है? इंडक्टर. सो इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज, वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टर. यहां से आप ये फेज डिफरेंस और लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट लर्न कर दो. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द टर्न इज टू प्लॉट द ग्राफ एंड फेजर डायग्राम. अब ग्राफ बनाते हैं ईएमएफ और करंट के बीच में. करंट इज अहेड बाय 90 डिग्री. सो विद द टाइम वी आर गोइंग टू प्लॉट ईएमएफ एंड करंट सिग्नल्स ग्राफ. ईएमएफ को तो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, साइन कर्व है ये, साइन ओमेगा टी. दिस इज अ सिंपल साइन कर्व. ये इसकी पीक वैल्यू है, किसी भी वेव की पीक वैल्यू होती है, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये हो गया हमारा ईएमएफ फेजर. देन व्हाट इज आवर करंट फेजर? करंट की इक्वेशन थी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. कॉस थी ना कोसाइन कर्व है, कोसाइन कर्व, बट आई नॉट उससे ज्यादा होना चाहिए. पीक वैल्यू ऑफ करंट शुड बी मोर देन ईएमएफ. तो हम करंट को ऐसे दिखाएंगे. कोसाइन कर्व ऐसे ही होती है ना, शेप पता है ना? कोसाइन कर्व की शेप पता है ना सबको? ये आपकी साइन कर्व है और ये आपकी कोसाइन कर्व. तो ये हमने कोसाइन कर्व और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए ये ड्रॉ कर दिया. अब ये आपका करंट का मैग्नीट्यूड और ये करंट का ग्राफ. सो ई एंड आई ग्राफ ये हो गया. ग्राफ इज दिस. सिंपल है कि आपकी ईएमएफ साइन कर्व है, साइन ग्राफ आ गया, और आपका करंट कोसाइन कर्व है, तो वो कोसाइन का ग्राफ है. और मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके हमने देखा कि करंट का मैग्नीट्यूड ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, उसको थोड़ा हायर रख दिया बस. नाउ वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम अब फेजर इज अ वेक्टर. आई टोल्ड यू ये जैसे ईएमएफ फेजर है, रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ये हमारा साइन ओमेगा टी था ना, तो ये ओमेगा टी हमारा फेज है. तो ये हम स्टैंडर्ड ईएमएफ फेजर लेते हैं हर केस में. फेजर इज अ वेक्टर हूज लेंथ गिव्स द पीक वैल्यू एंड प्रोजेक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. ये एक फेजर बनाया हमने. हम तो दो डायग्राम बना चुके हैं आपको बता रही हूँ जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं. सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड ईएमएफ फेजर. अब करंट फेजर एक तो उसकी आई नॉट की वैल्यू ज्यादा है, लेंथ ज्यादा दिखाएंगे. सेकंड थिंग इट इज अहेड ऑफ ईएमएफ फेजर बाय 90 डिग्री. तो 90 डिग्री अहेड दिखा दो. दिस इज योर करंट फेजर और लेंथ उससे ज्यादा दिखानी. एक मिनट ये रब करूं. दिस इज योर करंट फेजर और इसकी प्रोजेक्शन है आई एंड इट इज अहेड बाय 90 डिग्री. इट इज लीडिंग ईएमएफ बाय 90 डिग्री. सो दिस इज योर फेजर डायग्राम इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. Is that clear? Fine. Graph हो गया, phasor diagram हो गया. Now we have to calculate the power consumed by ideal capacitor. Power consumed by ideal capacitor. So let us solve for that. अब पावर कैसे लिखोगे? पावर कंज्यूम टी इज इक्वल टू ई आई डी टी इंटेग्रल जीरो टू टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ऐसे लिखोगे पावर हीट ओवर टाइम. हीट इज वी आई टी. ठीक है, तो हीट ओवर टाइम. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट. ईएमएफ कितनी थी कैपेसिटिव सर्किट में? वो तो हमेशा ही ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है. करंट हमने कितना डिराइव किया? आई नॉट कॉस ओमेगा टी. सो पुट ई एंड आई हियर.
हमारा इसमें ईएमएफ इतना था, करंट इतना ही आ रहा था ना, आई नॉट कॉस ओमेगा। तो लेट्स पुट इट हियर, टी इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू टी ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। E नॉट I नॉट और T बाहर आ जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट विद साइन ओमेगा T कॉस ओमेगा T डी टी। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रल, हाउ, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देंगे, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। ये सॉल्व दिस इंटीग्रल ऑन, हाउ कैन वी राइट दिस साइन टू ओमेगा टी डी टी। तो वट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी, क्या होगा, माइनस कॉस टू ओमेगा टी ओवर टू ओमेगा, यही है ना इंटेग्रल, साइन का माइनस कॉस होता है, और क्योंकि ये साइन टू ओमेगा टी है तो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी टू ओमेगा, माइनस और टू ओमेगा बाहर ले लो, इंटेग्रल साइन का नेगेटिव होता है, डेरिवेटिव कॉस का नेगेटिव, सो पी इज माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर फोर ओमेगा टी अपर लिमिट। अब ओमेगा क्या है, टू पाई बाय टी, और टी को क्या पुट करेंगे, टी माइनस कॉस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी कैंसिल हो गया, कॉस फोर पाई, व्हाट इज कॉस फोर पाई, कॉस फोर पाई कितना होता है, यस कॉस फोर पाई कितना होता है, कॉस टू एन पाई, जो इवन मल्टीपल होते हैं वो प्लस वन होते हैं, ऑड मल्टीपल होते हैं माइनस वन, तो ये इवन मल्टीपल है, इसकी वैल्यू है वन, एंड कॉस जीरो इज आल्सो वन, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट ओवर फोर ओमेगा टी वन माइनस वन जीरो। सो अगेन यू सॉ दैट पावर कंज्यूम्ड बाय आइडियल कैपेसिटर इज आल्सो कमिंग आउट टू बी जीरो, पावर जीरो मतलब पावर का यूनिट वॉट, so current flowing in this case is also called wattless current, so current flowing in this case is called wattless matlab powerless current, wattless, watt is the unit of power na, power zero hai, isliye isme se jo current flow karta hai usko bolte hain wattless current, theek hai, likhiye definition wattless current, write the definition of wattless current। कल आपने देखा इंडक्टर में भी जीरो आ रहा था, पावर जीरो आ रही थी, इसमें भी जीरो आ रहा, तो सम अप कर देती, सो व्हाट इज वॉटलेस करंट, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट कंटेनिंग आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, बिकॉज आगे रीजन भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, बिकॉज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, बिकॉज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, ये ट्यूब ऑन कर लो, बिकॉज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो। So have a look at the whole derivation. If any mathematical step is not clear to you, you can ask. पूछ लो, कोई step नहीं clear तो पूछ सकते हो. So we did three circuits. First circuit was AC circuit containing resistance only. उसमें हमने देखा कि power maximum होती है P is equal to EI. True power is equal to apparent power. सेकेंड केस था आइडियल इंडक्टर, अच्छा जो पहला केस था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली,
उसमें करंट और ईएमएफ में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। सेकंड था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, उसमें हमारी ईएमएफ लीड कर रही थी बाय 90 डिग्री, फेज डिफरेंस था 90 डिग्री और पावर कंज्यूम्ड जीरो थी। थर्ड है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, और इसमें भी पावर कंज्यूम जीरो है एंड करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय 90। सो वी विल यूज ऑल द थ्री रिजल्ट्स नाउ इन आवर नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज एलसीआर सर्किट, ऑल द थ्री कंपोनेंट्स टुगेदर, एलसीआर, एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आर रेजिस्टर, अब तीनों टुगेदर। LCR सर्किट, हाँ जी हर सिंबर का टाइम हो गया TL। ओके सो LCR सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, LCR ऑल कनेक्टेड to an AC source now of EMF E naught sin omega t. So suppose I is the current flowing, so same current would be flowing now, same current flow करेगा तीनों series में लगे। अब across the inductor the voltage is suppose VL, across capacitor it is VC, across resistor it is VR, ठीक है? तो हम कैसे लिख सकते हैं VR? V is equal to IR, VL, V is equal to IXL, क्योंकि इंडक्टर में रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसमें भी ऐसे रिएक्टेंस होती है, ठीक है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड हाउ वी विल राइट VC, VC कैसे लिखेंगे? VC विल बी IXC, क्योंकि यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस है। तीनों इक्वेशंस क्लियर है? X जो है वो रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस ही होता है। तो अब हमने बनाना है एक फेजर डायग्राम। इफ वी एक्सप्रेस करंट हियर, करंट इधर एक्सप्रेस कर देते हैं, अब देखते हैं वोल्टेजेस कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उनका रिलेशन क्या है। वी आर मार्क करनी है पहले मैंने। आई टोल्ड यू इन रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, तो वी आर इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम वीआर किधर मार्क करेंगे? इधर, ये वीआर हो गया, डायरेक्शन मार्क कर दी बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड रेजिस्टिव वोल्टेज। अब वीएल का मैंने बताया था ईएमएफ लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, सो इफ करंट इज दिस साइड वीएल वुड बी दिस साइड लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री, और वीसी करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 90 डिग्री, अभी आपने देखा, ठीक है? उसमें करंट लीड कर रहा था तो वोल्टेज लैग कर रही है 90 डिग्री, तो वीसी की डायरेक्शन ये होगी। इज दैट क्लियर? देखो फेज डिफरेंस के बेसिस पे हमने ये बना लिया। अब हमने नेट ईएमएफ निकालनी है तीनों की, एक निकालनी, कैसे? पहले तो वर्टिकल में दो हैं, बिगर माइनस स्मॉलर कर लेंगे, ठीक है? तो सपोज कर लो वीएल इज ग्रेटर, लेट अस अज्यूम वीएल इज ग्रेटर, तो आपका नेक्स्ट डायग्राम बनेगा इधर VL minus VC, और this side you have already VR and this is your current, ये हो गया। अब इन दोनों की एक वोल्टेज नेट कैसे निकालोगे? By parallelogram law, and this diagonal will give you net EMF, diagonal will give you net EMF, and to find phase difference between net EMF and current, this will give you the phase difference, let us say that is fine, ठीक है? क्लियर है? यहां से ये कैसे बना? इज दैट क्लियर टू यू? ये कैसे बना मैं वही बता रही हूं ना। देखो जो रेजिस्टिव वोल्टेज है ना ईएमएफ, हमने पहला आर्टिकल कल किया था, जो अकेला रेजिस्टर होता है जिसमें ईएमएफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयर इज नो फेज डिफरेंस, सो इफ आई हैव टेकन करंट हियर वी आर उधर ही लूंगी,
फिर इंडक्टर का हमने केस किया, उसमें हमने देखा ईएमएफ लीड करती है बाय 90 डिग्री करंट को, तो इफ करंट इज हियर तो वीएल आपकी 90 डिग्री अहेड दिखा। और कैपेसिटर का भी आज आपने किया, उसमें आपने देखा है कि करंट लीड करता है ईएमएफ को बाय 90 डिग्री, तो ईएमएफ लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री। तो अगर ये करंट था तो ईएमएफ को मैंने लैगिंग बिहाइंड दिखा दिया बीसी को। अब इन तीनों की एक ईएमएफ निकालनी है, वर्टिकल वाली दो माइनस कर ली एक आ गया, फिर पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट आपको ये दे दो। अब क्लियर है? चलो अब उसका फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट का। सो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? अंडर द रूट आर क्या होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है दोनों में? 90 डिग्री है, तो कॉस 90 तो जीरो हो गया। हम लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। तो ए स्क्वायर एक ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये वाली आई आर आई एक्स एल आई एक्स सी और टोटल ईएमएफ को लिखोगे टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो नोट करो दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। यहां से एक नई टर्म आ रही, पूरे जब सारे कंपोनेंट होते हैं टुगेदर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जेड, दैट इज इंपीडेंस। इस टाइप में आते हो, अब कौन सा मिल गए मालियो, इधर आ जाओ सोशल डिस्टेंस। सो व्हाट इज जेड हियर? जेड इज इंपीडेंस। तो देखिए अब ये थर्ड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मिला आपको, अभी तक आपने सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ा था, नाउ यू आर अवेयर ऑफ रिएक्टेंस आल्सो इंपीडेंस आल्सो। रिएक्टेंस जब एक एक अकेला अकेला कंपोनेंट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इंपीडेंस है जब सारे कंपोनेंट मिलके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंपीडेंस जेड। सो डिफाइन राइट द डेफिनेशन ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस इज द रेजिस्टेंस, इंपीडेंस इज द, इसका भी यूनिट फिर ओम ही होगा। इंपीडेंस इज द रेजिस्टेंस offered to the flow of AC, it is the resistance offered to the flow of AC by L, C and R components together, by L, C and R components, या one or more, या more than one component, कम से कम दो component हो तभी हम उसको impedance बोल देंगे, एक हो तो उसको reactance बोलेंगे। So its unit is also ohm, please note it down. So in the next step we can take current common from the bracket. I gets cancelled and you get the formula of impedance, frequently will be used in numerical problems. It will be frequently used in numerical problems. So impedance of this circuit will be given by the formula under the root r square plus xl minus xc ka whole square. Isko achhi tarah se formula learn hona chahiye aapko. Ab hum direction nikalte, phase difference between current and emf, tan phi will be perpendicular over base, vl minus vc over vr. Put in again the values ixl IXC over IR, I कॉमन लेके कट कर देते हैं, so tan phi is I कॉमन XL minus XC over IR, I gets cancelled and you get the phase difference between net EMF and current XL minus XC over R. तो ये भी लर्न करना है आपकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, नेट ईएमएफ, तो ये आपका एलसीआर सर्किट होगा। ऑल दीज आर बेसिक्स, गॉट इट? कोई डाउट यहां पे पूछ लो,
If you have any doubts here, you can ask. So next topic will be resonance after this. Next topic will be resonance. So वो कल start करेंगे, आज का देख लो. If there is any doubt, you people can ask. कोई doubt है? Yes, students, any doubts you are having? Tushar, have you taken attendance? Screenshot.